तो हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दे आर थर्मली अनस्टेबल सो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं मेटल कार्बोनेट्स वो क्या करते हैं वो हीट के प्रेजेंस में डीकम्पोज कर जाते हैं इन सी ओ टू एंड मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड ठीक है तो इस वजह से वो क्या होते हैं थर्मली अनस्टेबल होते हैं नाउ मूविंग टू सेकेंड स्टेटमेंट इट इज़ सेंग आर इनसोल्यूबल इन वाटर सो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है करेक्ट है ये वाटर में इन होते हैं और अगर हम बात करें इनकी सोल्यूबिलिटी की सो सॉल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज एज द एटोमिक नंबर एटोमिक नंबर ऑफ मेटल आयन मेटल आयन इंक्रीजेस जैसे जैसे मेटल आयन का एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनकी सोलबिलिटी डिक्रीज होती है और वैसे भी ये बहुत कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में सो so, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है करेक्ट है नाउ मूविंग टूवर्ड्स लास्ट स्टेटमेंट इट इज़ सेइंग बेरिलियम कार्बोनेट इज थर्मली अनस्टेबल सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है जो बेरेलीम कार्बोनेट होता है वो हमारा थर्मली अनस्टेबल होता है और इसको हम स्टोर कर सकते हैं सिर्फ एटमोसफियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ठीक है कैन बी कैप्ड ओनली केप्ड ओनली इन एटमोसफेयर एटमोसफेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है सो so यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे इस क्वेश्चन में तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे क्या हैं करेक्ट हैं